नमस्कार बंधुरा आमार चैनले आपनादेरके जानाई स्वागत। आपनारा जदि एई चैनलटिते नतून हये थाकेन ताहले प्लिज चैनलटिके सबस्क्राइब करबेन और जदि आमार एई भिडियोगुली भालो लागे तो अवश्य चैनलटिके लाइक एबं शेयर करबेन। आजके आमि जे पेपारटा निये एसेछि सेटा हच्छे जे इकोनमिक जिओग्राफिर पेपार। तो एखाने तोमरा देखते पाच्छो जेखाने फुल मार्क्स देওয়া আছে 60 নম্বরের এবং এটা সিসি 9 এর পেপার। তো দেখে নিই আমাদের কি কি কোশ্চেন এসেছিল। सेक्शन ए थे डिफाइन प्रोडक्शन अर्थात उत्पादन संज्ञा दाओ। व्हाट डू यू मीन बाय एग्लोमारेशन फोर्स इन लोकेशनल थियोरी अर्थात अवस्थान तथ्य समावेश बल बोलते कि बोझो। 3 नम्बर देखो बोले डिफाइन इकोनमिक जिओग्राफी अर्थात इकोनमिक जिओग्राफी माने अर्थनैतिक भूगोले तुम्हारे एक डेफिनेशन दीते हैं। 4 नम्बर बोले डिफाइन आइसोटीम संज्ञा दाओ। स्टेट द अबजेक्टिव अफ एग्रो फरेस्ट्री अर्थात कृषि बन सृजने उद्देश्य। तो ये देखो उद्देश्य बोले क्योंकि तुम्हें क्योंकि एखे कृषि बन सृजन कि तुम्हें एखे से उल्लेख कर दीते हैं कारण एखे प्रत्येक नम्बर मैं प्रत्येक कोश्चनर क्योंकि 2 नम्बर को रही है। अच्छा नेक्स्ट देखो नेम 2 रिजियन अफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन जापान अर्थात जापानी लौह एवं इस्पात शिल्पर जो 2टी अंचल नाम लेखो। तो ये तुम्हारा जो शुधुमात्र लिखे दाओ जो जापानेर लौह और इस्पात शिल्पर 2टी अंचल नाम हलो जो तुम शुद्ध जैगागुलो लिखे दाओ ताहले सेखाने तुम 2 नम्बर पाबे ना तार कारण तुम्हें आगे लिखते हैं जो कोथाय कोथाय पावा जाए। 2टी अंचल बोलेछे माने शुधु 2टी अंचल लिखे दिले एमनटा किन्तु नय तार संगे आरो किछु तुम लिखे देबे ता बोले आबार बेशी किछु लेखो ना। नेक्स्ट देखो नेम द सेंटार्स अफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज इन वेस्टार्न रिजियन अफ इंडिया अर्थात भारतेर पश्चिमांचले अवस्थित पेट्रो रसायन शिल्पेर केंद्रगुलिर नाम लेखो। अच्छा नेक्स्ट पेज जाए मेंशन नेम अफ द कान्ट्रीज अफ मिक्सड फार्मिंग इन यूरोप यूरोपर मिश्र कृषि अंतर्गत देशगुलिर नाम लेखो अर्थात यूरोपे जो मिक्सड फार्मिंग है तो मिक्सड फार्मिंग कोथाय कोथाय है तो सेई कान्ट्रीगुलिर नाम लिखते हबे। नेक्स्ट एंटरपर ट्रेड बोलते कि बोझो अर्थात ह्वाट डू मीन बाय एंटरपर ट्रेड। नेक्स्ट देखो ह्वाट इज गोल्डन क्वाड्रिलैटरल माने सोनाली चतुर्भुज कि एटा तोमरा सबाई जानो कारण तोमरा एटा एचएसओ पढ़े एसेछो। नेक्स्ट देखो क्लासिफाई द इंटरनल ट्रेड अभ्यंतरीण वाणिज्य श्रेणीविन्यास करो। तो ये देखो श्रेणी विभाग बोले सूतरा तुम्हें एखे डेफिनेशनों दीते हैं तरह तुम्हें क्योंकि एखे क्लासिफाई करते। नेक्स्ट देखो राइट डाउन फुल फॉर्म अफ एसीजेड तुम्हारा सबाई जानो एसीजेड माने होचे स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नेम द 2 इम्पोर्टेंट फिशिंग जोन अफ द वर्ल्ड विश्व 2टी गुरुत्वपूर्ण मत्स्य उत्पादक अंचल नाम लेखो। नेक्स्ट देखो ह्वाट इज इम्पोर्टेंस अफ ओपेक ओपेकर गुरुत्व की। तो ये तुम्हें आगे तेल कि लिखते हैं ना आगे ओपेके तुम्हें आगे फुल फॉर्म दीते हैं जो ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कान्ट्रीज सरि एट हो अर्गानाइजेशन अफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कान्ट्रीज। ठीक है तो ये ओपेक आज और ओपेकर गुरुत्व अर्थात तुम्हें एखे तरह डेफिनेशन तो प्रथम तुम शॉर्ट नाम दिले तर तुम डेफिनेशन दिले तर तुम गुरुत्व दिले। तो सेक्शन बी ते देखो 2 एखे नम्बर प्रश्नटा आखने नम्बर विभाजन देखो 4-5-20। तो बोलते क्लासिफाई द डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज उथ प्रपार एक्साम्पल अर्थात विभिन्न अर्थनैतिक कार्यबली उदाहरण सह श्रेणीविन्यास करो। 2 नम्बर देखो डिफरेंस सेट बिटवीन द गुड्स एंड सार्विस अर्थात गुड्स और सार्विसर मध्य पार्थक्य निरूपण करो। नेक्स्ट देखो एक्सप्लेन द रोल अफ लेबर कस्ट इन वेबर टेस्ट कस्ट थियोरी अफ इंडस्ट्रियल लोकेशन अर्थात वेबारे शिल्पर अवस्थान संक्रांत जे न्यूनतम व्यय तथ्य श्रमिक मजूरी माने न्यूनतम व्यय तथ्य श्रमिक मजूरी जो भूमिकाटा क्योंकि खूब इम्पोर्टेंट प्रश्न ये पड़े गए क्योंकि पर जो परीक्षागुलो आसते चले से क्योंकि आसते परे एखे वेबारे दिए तो और जो समस्त तथ्यगुलो 2 ना 3 आज तो सेगल क्योंकि पढ़ते परे। तो नेक्स्ट देखो एनालिसिस द प्रॉब्लेम्स अफ इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज भारतेर लौह और इस्पात शिल्पर समस्यागुली निरूपण करो। नेक्स्ट देखो राइट डाउन द इम्पोर्टेंट सार्विस इन इंडिया भारतेर प्रधान परिसेवागुली कि एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अंडारलाइंग द सार्विस ग्रोथ परिसेवा बृद्धिर पिछने कि कारण बर्तमान आछे तो सेगुलो लिखते हबे। एखाने किन्तु प्रत्येकटा क्वेश्चने तोमरा नम्बर विभाजनगुलो देखे नेबे जे रकम नम्बर सेई अनुयायी किन्तु तोमरा लिखबे अत्यधिक बेशिओ लिखबे ना आबार अत्यधिक कमओ लिखबे ना। नेक्स्ट देखो स्टेट द कोर प्रिंसिपल अफ डब्ल्यूटीओ अर्थात वर्ल्ड ट्रेड अर्गानाइजेशनेर जे मूल नीतिगुली सेगुलो लिखते हबे। एरपरे सेक्शन सी एते देखो एक नम्बरे बोलेছে व्हाट आर द অবজেক্টিভস অফ এগ্রিকালচারাল লোকেশন থিওরি অফ জে এইচ ভন থুনেন অ্যানালিসিস দ্য এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড ইউজ জোন অ্যাজ স্টেট বাই হিম। অর্থাৎ এখানে বলেছে জে এইচ ভন থুনেনের কৃষিজমির যে অবস্থান সংক্রান্ত তথ্য এর উদ্দেশ্যগুলি কী কী। তিন নাম্বার আছে এখানে, মানে বেশি কিছু তোমাকে লিখতে হবে না উদ্দেশ্য জায়গায়, তুমি এখানে উদ্দেশ্যগুলো ঠিকঠাক করে লিখে দিলে। আর এখানে দেখো পরের যে ভাগের কোয়েশ্চেনটা রয়েছে সেটা 7 নম্বরের আছে। এখানে কি বলেছে তার পর্যন্ত কৃষিজমির ব্যবহারিক অঞ্চলগুলি, তো এটাকে তোমাকে কিন্তু একটু ডেসক্রিপটিভভাবে লিখতে হবে। নেক্সট দেখো গিভ রিজন ফর দ্য রিলেটিভ ব্যাকওয়ার্ডেস অফ দ্য ট্রপিক্যাল সিজ অন রিগার্ড টু দ্য কমার্শিয়াল ফিশিং, অর্থাৎ বাণিজ্যিক মৎস্য আহরণে ক্রান্তীয় সমুদ্রের অনগ্রসরতার কারণগুলি লেখো। বাণিজ্যিক মৎস্যকে যেগুলো মানুষ বাজারে বিক্রি করতে পারে, যেগুলো বিক্রির জন্য মানুষ উৎপন্ন করে, তো এখানে বাণিজ্যিক মৎস্য বলতে যে মাছগুলি বিক্রির জন্য তৈরি করা হচ্ছে, তো সেই মাছগুলি আহরণে ক্রান্তীয় সমুদ্রের যে অনগ্রসরতার কেন অনগ্রসর হচ্ছে তার কারণগুলি লিখতে হবে। নেক্সট দেখো critically analysis why marine fishing grounds are confined mainly to the temperate water, অর্থাৎ নাতিশীতোষ্ণ সমুদ্রে সামুদ্রিক যে মৎস্য ক্ষেত্রগুলি সমাবেশ কেন লক্ষ্য করা যায় তার বিশ্লেষণ, এখানেও 7 নম্বর, অর্থাৎ এটাও কিন্তু তোমাকে ডেসক্রিপটিভভাবে লিখতে হবে। আচ্ছা নেক্সট দেখো বলছে হুইচ ইন্ডাস্ট্রিজ ইজ কল্ড সানরাইজ ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড হোয়াই, কোন শিল্পকে উদীয়মান শিল্প বলা হয় এবং কেন। অ্যান্ড ডিসকাস দ্য ফ্যাক্টরস অফ লোকালাইজেশন অফ দিস ইন্ডাস্ট্রিজ ইন USA, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এই শিল্পের কেন্দ্রীয় ভবনের কারণ বর্ণনা করো। তারপরে দেখো নেক্সট ডিসকাস দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ প্ল্যান্টেশন ফার্মিং উইথ রেফারেন্স টু টি ইন ইন্ডিয়া, অর্থাৎ ভারতের চা চাষের সাপেক্ষে বাগিচা কৃষির বৈশিষ্ট্য। আর রাইট ডাউন দ্য ট্রেন্ডস অফ ট্রেড অফ টি ইন চায়না, ভারতের চা বাণিজ্যের গতি প্রকৃতি ব্যাখ্যা করো।